अल्लाह रहमान रहीम। सर जी, आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। अब मैंने आपको बड़ी डिटेल में कॉन्ट्रैक्ट की स्टोरी सुना दी थी। आज बेसिकली मैंने ऑफर से शुरू करना था, मगर एक क्विक रिकैप ताकि आप लोग हमारे साथ, जो लोग नए आए हैं वो हमारे साथ चल सकें। सर जी, हमने बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट की बात शुरू होती है ऑफर से। सबसे पहले एक बंदा दूसरे को पेशकश करता है, और मैंने आपको कहा था कि जनाब कॉन्ट्रैक्ट, हम ज़िंदगी में ये नाम भी सुना हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट देखे भी हुए हैं। सबसे कॉमन कॉन्ट्रैक्ट जो हम देखते और सुनते हैं वो जैसे घर के किराए का होता है कि मिसाल के तौर पे, या जो लोग खुद लैंडलॉर्ड हैं उन्होंने मकान किराए पे दिया होता है, या जो लोग खुद जिनके पास जगह नहीं होती रहने को उन्होंने वो मकान किराए पर लिया होता है। तो मिसाल के तौर पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि जैसे ए ने बी को कहा, क्या तुम मुझे अपना मकान 50,000 रुपये किराए, 50,000 रुपये महाना पर दोगे? ए ने बी को बेसिकली ये जो जुमला कहा है ये असल में क्या किया है? ऑफर किया। अब ऑफर का जवाब दो हो सकता है, या इसका जवाब हाँ होगा या इसका जवाब ना होगा। अगर इसका जवाब हाँ है तो समझा जाएगा ऑफर क्या हो गई है, एक्सेप्ट हो गई। इफ द आंसर इज यस। अगर इसका जवाब ना है तो ये ऑफर क्या हो गई है, रिजेक्ट हो गई। ऑफर एक बार एक्सेप्ट हो जाए तो क्या हो जाता है, प्रॉमिस हो जाता है। ऑफर करने वाले को क्या कहते हैं, ऑफरर। इस ऑफर को प्रपोजल भी कहते हैं, और प्रपोजल करने वाले को प्रपोजर कहते हैं। जिसको ऑफर की जाए उसको ऑफरी कहा जाता है और प्रपोजी कहा जाता है। जिसको ऑफर की जाए उसको ऑफरी और प्रपोजी कहा जाता है। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाए, ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाता है, प्रॉमिस बन जाता है। वंस ये प्रॉमिस बन गया तो इस ऑफरर को प्रॉमिसर भी कहा जा सकता है और इस ऑफरी को प्रॉमिजी भी कहा जा सकता है। ऑफर एक्सेप्ट हो गई, प्रॉमिस बन गया जी। अगर प्रॉमिस में कंसिडरेशंस भी शामिल हैं तो एग्रीमेंट बन गया। और कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है, बदला या एवज। सर एक बंदा अपना मकान दे रहा है 50,000 के एवज, और दूसरा बंदा जो है मकान ले रहा है 50,000 के, 50,000 दे के। एक बंदा मकान दे रहा है 50,000 दे के, यस और नो? दोनों के लिए बदला मौजूद है। ऐसा प्रॉमिस जिसमें बदला मौजूद हो उसको क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। ऐसा प्रॉमिस जिसमें बदला मौजूद हो उसे क्या कहते हैं, एग्रीमेंट कहते हैं। ये एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, जब एक ऐसा एग्रीमेंट जिस पर कानूनी तौर पर अमल दरामद करवाया जा सके, अदालत में केस किया जा सके, सर इस पर अमल दरामद नाफिज किया जा सके, कोई भी लफ्ज कह लें उसको, तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
ये सारी बातें हम दोहरा चुके हैं। और एनफोर्सेबल में हमने तीन चार बातें आपसे मजीद की थी। हमने कहा था सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल, डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल। ना डोमेस्टिक एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, ना सोशल एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है, ना ही वो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होता है जिसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ना हो। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन ना हो तो वो भी एनफोर्सेबल। रिलीजियस और मॉरल कॉन्ट्रैक्ट भी एनफोर्सेबल नहीं होता। तो सर ना डोमेस्टिक, ना सोशल, ना रिलीजियस, ना मॉरल, और ना ही वो वाला कॉन्ट्रैक्ट जिसमें नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल नहीं होते। ये वाली सारी बातें आपसे कल कर चुका था। आज हमने डिस्कशन शुरू करनी है ऑफर से, कि ऑफर क्या होती है, जरा इसको लेके चलते हैं। एक बात एक्सप्रेस और इम्प्लाइड प्रॉमिस की आपके साथ डिस्कस कर चुका था, ये भी ऑलरेडी बात हम कर चुके हैं। व्हाट इज एक्सप्रेस प्रॉमिस? सर जो अल्फाज की सूरत में किया जाए, चाहे बोल के, चाहे लिख के, चाहे व्हाट्सएप करके, जिसमें वर्ड्स आ जाएं वो एक्सप्रेस है, जिसमें वर्ड्स ना आए वो इम्प्लाइड। और मैंने कहा था जी आपने किसी को कहा, आपने किसी को अल्फाज के सहारे कहेंगे ना कि भाई मुझे अपना मकान 50,000 रुपये किराए पर दे दो, लेकिन अगर आपने एक शू शाइनर के सामने अपने बूट रख दिए और उसने शू पॉलिश कर दिए तो ये इम्प्लाइड ऑफर भी होगी और एक्सेप्टेंस भी होगी। अगर आप बस स्टॉप पे जाके खड़े हो गए, बस रुकी, आप बस में बैठ गए तो इम्प्लाइड ऑफर भी हो गई और एक्सेप्टेंस भी हो गई। इम्प्लाइड में वर्ड्स नहीं होता, कंडक्ट होता, बिहेवियर होता, अदरवाइज देन वर्ड्स हो तो इम्प्लाइड, और वर्ड्स के जरिए हो तो एक्सप्रेस। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हमारा मेन टारगेट है कि हम ऑफर या प्रपोजल की बात करें। When one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. Sir, जब एक बंदा signify करता है, signify यानी इजहार करता है, offer करने वाला असल में वो बंदा होता है जो सब जो पहल करता है, जो इजहार करता कि वो कोई काम करेगा या किसी काम से रुकेगा, और ये दोनों काम करने का उसका असल मकसद क्या होता है, ताकि दूसरे बंदे की असेंट यानी रजामंदी हासिल की जा सके उस काम को करने से या रुकने से। एब्स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, रुकने से, तो समझा जाएगा कि उसने ऑफर की है, क्या तुम मुझे अपना मकान 50,000 रुपये महाना किराए पर दोगे। जिस बंदे ने ये जुमला बोला असल में उसने क्या किया, ऑफर की। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, जिस बंदे ने ये जुमला बोला असल में उसने क्या किया, ऑफर किया, उसने प्रपोजल दिया। क्या तुम 100 किलो चावलों की बोरी मुझे 50,000 रुपये की दोगे, जिस बंदे ने ये जुमला बोला उसने ऑफर किया। सर ये ऑफर की डेफिनेशन है। थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि ऑफर में, ऑफर की कुछ असेंशियल्स होती हैं। पॉइंट नंबर वन,
अ पर्सन कैन नॉट मेक ऑफर टू हिमसेल्फ। सर ऑफर देने के लिए कोई दूसरा बंदा होना ज़रूरी है, एक बंदा अपने आप को ऑफर नहीं दे सकता। एन ऑफर ए पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ, अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टन एंड डेफिनेट। सर ये जो अभी मैंने आपको मिसाल दी, क्या तुम अपना मकान मुझे 50,000 रुपये किराए पर दोगे? मेरे तीन मकान थे, एक DHA में, एक मॉडल टाउन में, एक वापडा टाउन में। लेट से ये तीन अलहदा जगह। मुझे बी ने कहा क्या तुम अपना मकान मुझे 50,000 रुपये महाना किराए पर दोगे? अब मैंने कहा ठीक है। वो समझा मैं, वो मुझसे जो बात कर रहा था तो उसके जहन में था कि वो DHA के मकान की बात करे। मैं समझा मुझसे वो वापडा टाउन का मकान किराए पर लेना चाहता है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जहाँ पर क्लैरिटी ना हो, जहाँ पर डेफिनेट ना हो, जहाँ पर सर्टनिटी ना हो, तो ऐसी ऑफर को वैलिड नहीं समझा जाता। वैलिड ऑफर वो होती है जो क्लियर हो। सर मेरे पास दो गाड़ियाँ हैं, मुझे मेरे दोस्त ने कहा क्या तुम अपनी गाड़ी मुझे 5,00,000 की बेचोगे? मैं समझा वो मुझसे मेहरान की बात कर रहा, वो सिविक की बात कर रहा था। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अब यहाँ पर ये जो ऑफर है ये क्लियर नहीं है, इस वजह से इसको वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। इसको वैलिड ऑफर नहीं माना जाएगा। सर ऑफर वो होती है जो वैलिड हो। वैलिड ऑफर वो है जो क्लियर हो, डेफिनेट हो, सर्टन हो। एन ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशन। हाँ ऑफर में कंडीशन लगाई जा सकती हैं। क्या कंडीशन हो सकती है ऑफर में? ऑफर में भी सब, अगर तुम ये मकान किराए पर लेना चाहते हो तो 50,000 रुपये एडवांस जमा कराना पड़ेगा। अब इस ऑफर में साथ क्या लगा दी? अगर तुम मुझसे मकान किराए पर लेना चाहते हो तो 3 दिन के अंदर अंदर 50,000 रुपया मेरे अकाउंट में जमा करा दो, कंडीशन लगा दी। एक तरफ कंडीशन क्या, पैसों की कंडीशन भी हो सकती है, टाइम की कंडीशन भी हो सकती है, कोई भी कंडीशन अटैच हो सकती है। अगर तुम मेरा मकान किराए पर लेना चाहते हो तो मेरे छोटे भाई को बिल अब बढ़ाना पड़ेगा। सजी मेरी बात समझ आई? क्या कर दिया है उसने? मकान के किराए की ऑफर को मशरूत कर दिया है भाई को बिल अब बढ़ाने से। सर जी ये कंडीशन, वो कहते हैं ऑफर में भी सब्जेक्ट टू कंडीशन। व्हेन देयर आर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन इन एन ऑफर देयर मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू अदर पार्टी। जब स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं ऑफर में तो वो स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड टू द, वो दूसरी पार्टी को कम्युनिकेट भी करनी पड़ती हैं। अगर तुम ये मकान किराए पर लेना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप के जरिए इतला दो। अब एक नई शर्त है, बात किस तरह बतानी है? व्हाट्सएप पर बतानी। वो टेलीफोन करता है वो उसकी एक्सेप्टेंस कबूल ही नहीं करता। वो कहता है मुझे तुमने किस तरह बताना है? व्हाट्सएप के जरिए बताना। तो आपने ऑफर की, लेकिन ऑफर में भी कुछ शरायत हो सकती है। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर इनविटेशन ऑफ एन ऑफर से डिफरेंट हो सकती है। द इंटेंशन इन इनविटेशन ऑफ एन ऑफर इज टू सर्कुलेट इंफॉर्मेशन। सर जी एक होती है ऑफर और एक होता है इनविटेशन टू ऑफर, ये दो अलग अलग बातें, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ऑफर है और एक इनविटेशन टू ऑफर।
अब जरा समझिएगा बात, क्या तुम अपना मकान मुझे किराए पर दोगे 50,000 रुपये महाना? ये ऑफर है। अच्छा एक केस क्या है, इसको ऐसे समझाता हूँ, अखबार में इश्तहार आता है, जो लोग मेरा मकान लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे, जो लोग मेरा मकान किराए पर लेना चाहते हैं वो इस नंबर पे रब्ता करें। जो अखबार में इश्तहार आता है जिसके जवाब में हम किराएदार जो है वो रब्ता करता है, अखबार में इश्तहार जो आता है ये ऑफर नहीं होता बल्कि इनविटेशन टू ऑफर होता है। हम एक जगह पे CV देते हैं, वो हमें इंटरव्यू की कॉल करते हैं और उस हमारी वहां जॉब हो जाती है तो वो हमें ऑफर लेटर देते हैं। ये सुना ना आपने? Yes. सर जो हमने CV दी होती है ना ये ऑफर नहीं होती, ये इनविटेशन टू ऑफर होती है। भैया मेरी बात सुन, समझ रहे हो? मैंने एक जगह CV दी, उन्होंने कहा आपकी जॉब हो गई। मैंने कहा मैं जॉब नहीं करता। कहता कैसे नहीं जॉब कर सकते, आपने CV दी, आपने ऑफर की, मैंने उसके जवाब में एक्सेप्ट कर ली तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाइंडिंग हो गई। इसका जवाब ये कि सर मेरी CV ऑफर नहीं थी बल्कि इनविटेशन टू ऑफर थी, आपको इन्वाइट किया था मैंने कि आप करें। अब गौर करना, मैं CV दी, इंटरव्यू की कॉल हुई, उन्होंने मुझे ऑफर दी है। ये अब कुछ लोग होते हैं उन्होंने जॉब नहीं करनी होती, कहते हैं बस मैंने ऑफर लेटर ही लेना था। मेरे पास सबूत आ जाए कि मैं इस कंपनी में जॉब करने के लिए के अहल था, ये ऑफर लेटर होता। सर जी बात समझ में आ रही? तीसरी मिसाल लीजिए, हमने एक जूता लेना है, मार्केट में बड़ी शॉप, वहाँ पे डिस्काउंट लगा हुआ था, हम वहाँ पर गए, एक जूता था वो था मिसाल के तौर पे 5,000 रुपये का डिस्काउंट में। हमने उसे कहा भाई ये वाला जूता हमें दे दो, वो जूता पसंद आ गया और वो बंदा कहता है नहीं भाई ये जूता आपको नहीं मिल सकता। मैंने कहा ऐसे नहीं मिल सकता, आपने दुकान पर लिखा हुआ सेल है, आपने ये जूता मुझे पसंद आ गया, कीमत भी है, मुझे वो जूता आपको देना पड़ेगा। मैंने दुकानदार को कहा आपने जो सेल का इश्तहार दिया है वो ऑफर थी, मैंने उसको कबूल कर लिया तो ये एक्सेप्टेंस हो गई। तो इसका जवाब था कि नहीं भाई, जो उन्होंने सेल का इश्तहार दिया और उन्होंने जो चीज़ें लगाई हुई हैं ये ऑफर नहीं है बल्कि इनविटेशन टू ऑफर है। मैं जब जाके कहूँगा कि ये जूता मुझे 5,000 रुपये का दे दो तो ये ऑफर होगी, अगर वो हाँ कह के वो पैक कर दे तो ये एक्सेप्टेंस है। वो चाहे तो इस ऑफर को क्या कर सकता है? सर मैंने 3 मिसालें आपको दी हैं टू आपको ये बात समझा सकूं, ऑफर एक अलहदा चीज़ है और इनविटेशन टू ऑफर एक अलहदा चीज़ है। अखबार में जो इश्तहार होता है ये इनविटेशन टू ऑफर होता है, हम जो CV देते हैं ये इनविटेशन टू ऑफर होता है, जितनी भी दुकान है उस पर जो भी सामान पड़ा हुआ है वो ऑफर नहीं है बल्कि वो क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। हम लोग जाते हैं जाके उसे कहते हैं कि ये चीज़ मुझे दे दो, वो ऑफर होती है, दुकानदार की मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट करें या एक्सेप्ट ना करें। Intention in the invitation of an offer is to circulate information of the readiness to do transaction. आप जब इश्तहार देते हैं तो बस इसका मकसद ही होता है कि आप रेडी हैं लोग ऑफर करें। Some intentions are not offer and do not lead to a promise on acceptance. सर जी एक बार जल्दी से ये पढ़ लें फिर आगे चलते हैं।
सर जी पढ़ लिया, कोई सवाल जहन में आता है? कुछ इंटेंशंस ऑफर नहीं होती और इनकी वजह से प्रॉमिस नहीं होता। इनविटेशन टू ऑफर पर हाँ करने से ये एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती। इनविटेशन टू ऑफर के जवाब में ऑफर देनी पड़ती है, ऑफर के जवाब में एक्सेप्टेंस हो तो फिर प्रॉमिस होता है। यस और नो? ले सर, सर एग्जांपल्स पढ़ते हैं वन बाय वन। अदील ऑफर्स टू बाय बाइक फ्रॉम बाबर फॉर ₹50,000। Here Adil has made a proposal to Babar in order to obtain assent of the Babar to buy his bike. यानी ये क्या होगा? ये proposal की example है। Salman purchased a horse from Irfan and promised to buy another if the first one proves lucky. Salman ने इरफान से घोड़ा खरीदा और उसने वादा किया कि वो एक और भी खरीदेगा अगर पहला घोड़ा लकी साबित हुआ। अब लकी क्या होता है इसका? ये सर्टन नहीं है, ये वेग है। सजी मेरी बात समझ आ रही? ये वादा या ये कमिटमेंट अपने अंदर वेग है, सर्टन नहीं है। समझ आ रही है? तो ये बात है, सलमान ने रिफ्यूज टू बाय द सेकेंड हॉर्स, बाद में सलमान ने अगला घोड़ा लेने से इनकार कर दिया। इरफान इस एग्रीमेंट को एनफोर्स इसलिए नहीं करवा सकता चूंकि ये क्या था? वेग था। बींग लूज एंड वेग नॉट सर्टन एंड डेफिनेट। सर आपने पढ़ा है ना, सर्टन और डेफिनेट होना चाहिए ऑफर को। यस और नो? सर ये बात। Adil asked Mohsin to send the reply of his offer by email, but Mohsin sends reply by letter. Sir, आपने पढ़ा है condition हो सकती है। Adil ने क्या कहा? Email के जरिए जवाब भेजना। Mohsin ने किस तरह भेजा है? Adil चाहे तो इसके जवाब को क्या कर दे? Reject कर। इकबाल ने display किए goods for an auction sale. It is not an offer. Offer will come from buyer in the form of bid. Sir, आपको पता है नीलामी में क्या होता है? सुनिए सर, ये एक प्रोडक्ट है, ये मैं बेच रहा हूँ। होता ही है कि एक साहब आए, उन्होंने कहा कि मैं ये रिमोट बेचना चाहता हूँ। तो जो सामने बंदा खड़ा होता है, नीलाम कर रहा होता है, जो वो कहता है जी ये रिमोट है, इसकी क्या कीमत है जी? को ये हम इसकी शुरू करते हैं बोली 10,000 रुपये से। एक बंदा कहता है 11,000, एक बंदा कहता है 12,000, एक बंदा कहता है 13,000। फिर कहते जी 13,001, 13,002, 13,003। या वो 13,000 पे हैमर मारता है 1, 2, 3। जिस टाइम पे वो 3 कर देता है ना, ख़त्म। जब पहले उसने जाएगा कि हमने ये वाला रिमोट बेचना है और ये इसकी बोली 10,000 से शुरू हो रही है, ये इनविटेशन टू ऑफर थी। सामने जितने लोग बैठे हुए थे इन्होंने क्या किया? ऑफर किया। जिस टाइम पे मैंने कहा 13,001, 13,002, 13,003, जिस वक्त मैंने कहा 13,003, ये ऑफर क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। ये भाई ने 13,000 की ऑफर की थी, ये एक्सेप्ट हो गई। इसको कहते हैं सेल बाय ऑक्शन। और इसके अंदर ऑफर कौन होती है? वो लोग ऑफर दे रहे होते हैं। और एक्सेप्टेंस कब होती है? ऑटोमेटिकली जब 13,003 का या जब तीसरी बार हैमर नीचे लगाया, एक्सेप्टेंस हो। सजी बात समझ में आ रही? अब इकबाल ने अगर डिस्प्ले की हुई है गुड्स ऑक्शन पर बेचने के लिए तो ये ऑफर बल्कि क्या है? इनविटेशन टू ऑफर है। ऑफर कहाँ से आएगी? बायर्स की तरफ से ऑफर आएगी। ये बल्कि क्या है? ये तो इनविटेशन टू ऑफर है। भाई मेरी बात भी की है आपने? सर आगे चलते हैं। सर देखिएगा अगला। गुड्स वर डिस्प्लेड इन द डिपार्टमेंटल स्टोर फॉर सेल एंड सेल्फ सर्विस सिस्टम वॉज देयर।
वन कस्टमर सेलेक्टेड एन आइटम हेयर द डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज एन इन्विटेशन टू ऑफर एंड सेलेक्शन बाय द कस्टमर इज एन ऑफर टू बाय. गुड्स डिस्प्ले की गई थी डिपार्टमेंटल स्टोर में सेल और सेल्फ सर्विस के लिए. एक कस्टमर ने आइटम को सिलेक्ट कर लिया. द डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है. और सिलेक्शन बाय कस्टमर क्या है? ऑफर टू बाय. डिस्प्ले जो लगा हुआ है वो इन्विटेशन है. जब आप कोई चीज़ सेलेक्ट करके उसका बिल करवाने जाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये मैंने खरीदना है, तो ये ऑफर होती है. सामने दुकानदार उसको एक्सेप्ट कर ले तो आप वो खरीद सकते हैं. सिर्फ डिपार्टमेंटल स्टोर पे जो चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, ये क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर होता है. सर जी मैंने ये बात यहाँ पर भी बताई है दुकान में. जो जूती की बात कर रहा था, शूज़ की बात कर रहा था, वो यही तो थी सर. ये इनविटेशन टू ऑफर होता है. ये इनविटेशन टू ऑफर होता है. E13 में हमने ये वाली बात पढ़ी सर. ऑफर के जो असेंशल्स हैं, मैंने इसकी बात आपसे कर ली. सर कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर, ऑफर किस तरह कम्युनिकेट की जाएगी? वो कहता है द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और मिशन. सर ये ऑफर तसव्वुर किया जाएगा, डीम्ड टू बी मेड तसव्वुर किया जाएगा, समझा जाएगा. ये ऑफर कम्युनिकेट हो गई है कब? जब एक पार्टी दूसरे बंदे को कम्युनिकेट कर ले, उसे बता दे, उसका पैगाम पहुंच जाए, तो समझा जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हो गया. द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज डीम्ड टू बी मेड बाय एन एक्ट और ओमिशन ऑफ द पार्टी प्रपोजिंग बाय विच ही इंटेंड्स टू कम्युनिकेट सच प्रपोजल और विच हैज द इफेक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग इट. जिस भी तरीके से एक बंदे का पैगाम जब दूसरे तक पहुंच जाए, तो समझा जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेट हो गई है. ये ऑफर अल्फाज की सूरत में भी कम्युनिकेट की जा सकती है, ये ऑफर लिख के भी कम्युनिकेट की जा सकती है. और यही ऑफर किस तरह कम्युनिकेट की जा सकती है? कंडक्ट से भी, बर्ताव से भी. ये ऑफर पोस्ट के जरिए भी कम्युनिकेट की, खत लिख के भी कम्युनिकेट की जा सकती है. अब ऑफर करने का क्या तरीका है? टेलीफोन के जरिए, ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, खत के जरिए, किसी भी तरीके से. ये तो चारों वो हैं जो जिसको कहते हैं एक्सप्रेस है. और इम्प्लाइड क्या होता है? कंडक्ट के जरिए. कंडक्ट के जरिए भी ऑफर क्या की जा सकती है? कम्युनिकेट की जा सकती है. जिस वक्त जिस बंदे को कम्युनिकेट करना टारगेट था, उस बंदे तक मैसेज पहुंच गया, समझा जाएगा ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी. समझा जाएगा ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी. सर जी अ शू शाइनर स्टार्ट शाइनिंग वन शू विद इन विदाउट बीइंग आस्क्ड टू डू इन सच सर्कमस्टेंसेस that any reasonable man could guess that he expect to be paid for this. This is an offer communicated impliedly. मैंने आपको एक मिसाल पहले भी दी थी कि आप ट्रेन से नीचे उतरे, तो आपने बैग सामने रखा और एक कुली आ गया. कुली ने आपका बैग उठाया, अब आप आगे आ गए, कुली आपके पीछे पीछे आपका सामान लेके पहुँचा. आप गाड़ी के पास पहुँचे, कुली ने आपका बैग गाड़ी के पास रखा और आपने कुली को कहा थैंक यू जी. उसने कहा भाई थैंक यू नहीं, पैसे. आपने कहा भाई मैंने आपको कहा था सामान उठाओ. आपका सामान वहां पे रखना, कुली का सामान उठाना और आपको फॉलो करना और आपको उसको देखना, ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी आपकी तरफ से. कुली ने जब आपका सामान उठाया तो ये ऑफर थी इम्प्लाइड. जबान से कुछ नहीं कहा, इम्प्लाइड ऑफर थी. और आपका उसको उसको उसके सामान को देखना और उसको एग्री कर जाना कि वो आपका सामान उठा रहा है, ये क्या था? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस थी. सर समझ आ रही है? तो भाई सेम गोज विद द शू शाइनर. शू शाइनर में भी यही था.
आपने जूते आगे रखे, उसने पूछा नहीं, जूते पॉलिश करने लगे। या अक्सर ऐसे होता है ना कि हम किसी होटल में, बहुत हाई फाई नहीं, एक रूटीन में किसी जगह पर चले जाएं, किसी रेस्टोरेंट में, तो वहाँ पर कुछ लोग होते हैं वो आपका शू पॉलिश कर देते हैं, आप पूछ लेते हैं शू पॉलिश करना है, या आपने जूते उतारे हो तो वो आपको दूसरी जूती दे देते हैं और वो आपके शू, आप चुप रहे, उनने आपके शू पॉलिश कर दी। सर अब अंडरस्टूड है कि वो आपसे उस पॉलिश की उजरत चाहता है, तो आपने उसको इजाज़त दी या आपने देखा और आपने मना नहीं किया, तो जनाब ये ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। सर मोहसिन सेज टू नूर दैट ही इज़ विलिंग टू सेल हिज मोटरसाइकिल। अगर मोहसिन अल्फाज में कह रहा है नूर को कि जनाब वो मोटरसाइकिल बेचना चाहता है, तो ऑफर कम्युनिकेट पार्ट तो ये रहे ना कि ऑफर किस तरह कम्युनिकेट, जैसे अगर उसने बूट आपके पकड़े पॉलिश करने लग गया तो ऑफर कम्युनिकेट हो चुकी थी, या आपने ज़बान से कह दिया तो ऑफर कम्युनिकेट हुई, जब दूसरे बंदे को ये बात पता चल गई तो ऑफर कम्युनिकेट हो गई। सब कब समझा जाएगा कि ऑफर कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर इज कंप्लीट? जिस वक्त ऑफरी के नॉलेज में आया द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज। जिस बंदे को ऑफर की गई है जब उसके नॉलेज में आ गया OFFERE, तो समझा जाएगा ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। आजम प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बाबर एट अ सर्टन प्राइस। द कम्युनिकेशन ऑफ द प्रपोजल इज कम्प्लीट व्हेन बाबर रिसीव्स द लेटर। सर ए ने बी को खत लिखा 1/1/2021 को, 1/1/2022 को, क्या तुम अपना मकान मुझे 50 लाख का बेचोगे? बी को ये खत मिला 3/1/2022 को, क्या समझा जाएगा कब ऑफर कम्युनिकेट हुई? 3/1/2022 को, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम द ऑफर इज कम्युनिकेटेड, टू होम द ऑफर इज मेड। भैया मेरी बात समझ आ रही है? चलो मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए समझाता हूँ। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया, क्या तुम अपना मकान मुझे 50,000 रुपये का बेचोगे? सबसे पहले जब मेरी तरफ से मैसेज आता है तो सिंगल टिक होता है, जब दूसरे बंदे को पहुंच जाता है तो डबल टिक हो जाता है, जब वो ब्लू हो जाता है तो इसका मतलब है दूसरे ने पढ़ लिया। यस और नो? उसका ब्लू हो जाना इस बात का प्रूफ है कि उसके नॉलेज में बात आ गई है। यस और नो? ऑफर कब कम्युनिकेट होती है? जब ब्लू टिक हो जाते हैं। ठीक हो गया भाई? तो व्हाट्सएप से ऑफर कब कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी? जब टिक ब्लू हो जाएगा तो समझा जाएगा ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। लेटर के जरिए भेजा है, पुरानी बात लेटर वाली है, एक को भेजा था 2 दिनों बाद पहुंचा, जब उस तक पहुंचा समझा जाएगा ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। सर सर क्या ये ऑफर रिवोक भी हो सकती है? रिवोक का मतलब कैंसल, ख़त्म। यस सर, गौर से बात सुनिएगा, क्या तुम अपना मकान मुझे 50 लाख का बेचोगे? उस बंदे ने कह दिया हाँ, अब बात पक्की हो गई। जैसे ही उसने हाँ कहा प्रॉमिस बन गया, अगर कंसिडरेशन थी तो एग्रीमेंट बन गया, अगर एनफोर्सेबल था तो कॉन्ट्रैक्ट। भैया ये तो फिर सेकंड के 10वें हिस्से में हाँ कहने से मामला कॉन्ट्रैक्ट तक चला जाएगा, से कनेक्ट हो जाएगा ना। तो भैया उसका एक बार हाँ कहना था, कहा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो बाद में बंदा कहे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा तो नहीं हो सकता। ऑफर जब हो जाए, कम्युनिकेट हो गई, हाँ हो गई, अब रिवोक नहीं हो सकती।
हाँ उसकी हाँ करने से पहले रिवोक हो सकती है। आपने उसको लेटर लिखा 1/1/2022 को, क्या तुम अपना मकान मुझे 50 लाख रुपए किराए 50 लाख रुपए का बेचोगे? 3 तारीख को उस तक लेटर पहुंचा। 5 तारीख को उसने कहा हाँ सर, 5 से पहले पहले आप कह दो भाई मैंने तुम्हें एक लेटर, 4 तारीख को आपने उसे कह दो मैंने तुम्हें वो लेटर भेजा था उसको फेंक देना, वो गलती से आ गया। आपने 4 को उसे क्या कर दिया, फोन करके कह दिया कि जो मेरी ऑफर है वो क्या हो गई है, रिवोक हो गई। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं एक बंदे के पास गया, मैंने कहा भैया ये मोटरसाइकिल मुझे कितने की दोगे? उसने कहा, मैंने उसे कहा क्या ये मोटरसाइकिल तुम मुझे 80,000 रुपये की दे दोगे, बेच दोगे? अभी उसने हाँ नहीं कहा था। मैंने कहा अरे 1 मिनट ठहरना, मैं आपको सोच के दोबारा ऑफर करता हूँ। सर मैंने कह दिया क्या तुम ये मोटरसाइकिल मुझे 80,000 की बेच दोगे? उसने कह दिया हाँ, बात पक्की हो गई। उसके हाँ कहने से पहले पहले मेरे पास मौका है कि मैं रिवर्स गियर लगा दूं, यस और नो? मैंने उसे कहा क्या तुम ये मोटरसाइकिल मुझे 80,000 की दोगे? अभी वो मेरा चेहरा देख के हाँ कहने लगा था। मैं कह यार 1 मिनट ठहरना, मैं आपको एक बार सोच समझ के ऑफर करता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ऑफर की और उसने हाँ कर दी, अब गई गेम, अब क्या हो गया, अब कॉन्ट्रैक्ट हो। सर आप प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ हिज एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। जिस बंदे ने प्रपोजल दिया था उस बंदे ने ऑफर की थी, ऑफर कम्युनिकेट कर दी। अब कम्युनिकेट होने के बाद अगला स्टेप है कि ऑफर को कैंसिल किया जा सकता है, यस। उस बंदे ने जब तक आपको हाँ नहीं कहा उससे पहले पहले इसको कैंसिल, उस बंदे ने जब तक आपको हाँ नहीं कहा तब तक ऑफर को कैंसिल किया जा सकता है। बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। ए ने बी को प्रपोजल दिया, अच्छा जी बी ने हाँ कही और ये पहुंची ए को, उसकी हाँ ए से पहुंचने से पहले पहले हम उसको ना कर सकते, ये बात। आ प्रपोजल मे बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल बट नॉट आफ्टर। हाँ कहने से पहले पहले कम्युनिकेशन इज कम्प्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजल। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करने लगा हूँ इस एग्जाम्पल में। अदील ने लेटर के जरिए प्रपोज किया कि वो अपना घर जाजेब को बेचेगा। जाजेब इंटेंड्स टू एक्सेप्ट द ऑफर। जाजेब ने चाहा कि वो ऑफर को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, बट हैज नॉट पोस्टेड द लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस येट। अदील मे रिवोक हिज, अदील इस ऑफर को क्या कर सकता है, रिवोक कर सकता है। अभी अदील ने हाँ नहीं किया, अदील चाहता है हाँ करना लेकिन अभी तक उसने लेटर नहीं लिखा, उसकी हाँ से पहले पहले ऑफर को क्या किया जा सकता है, खत्म, रिवोक किया जा सकता है। Adil proposes by a letter sent by a post to sell his house to Jazib. Jazib has posted the letter of acceptance. अगर जाजेब ने post कर दिया letter of acceptance, फिर offer को revoke, 5 तारीख को उसने हाँ करके letter भेज दिया A को, तो फिर offer को revoke नहीं किया जा सकता, फिर offer को revoke नहीं किया जा सकता। जल्दी से ये 17 और 18 बड़े फिर आगे करते। जूता खरीदना था, आप
जूते पर सेल लगी हुई थी, 5,000 का जूता आपको पसंद आ गया, आपने उसे कहा ये जूता मैं ख़रीदना चाहता हूँ, आपने उसको पैसे दिए, उसने आपको जूता, क्या वो आपको जूता देने से इनकार कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ कर सकता है, क्योंकि जब आपने जूता ख़रीदने के लिए उसको कहा तो आपने उसे ऑफ़र दी, ऑफ़र को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है और रिजेक्ट भी किया जा सकता है। उसने डिस्प्ले पर जो जूता लगाया हुआ है वो ऑफ़र नहीं है बल्कि इनविटेशन टू ऑफ़र है, जिसके जवाब में आपने 5,000 रुपये का जूता ख़रीदने की उसको ऑफ़र दी, उसने वो ऑफ़र रिजेक्ट कर दी। ऐसा हो सकता है कि वो रिजेक्ट कर दे? सर समझ आ रही है? एक्सेप्टेंस के बाद फिर समझा जाएगा ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट तो तब नहीं होगा जब मतलब कोई लिखत पढ़त होगी? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया जब आपने बात की तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाज़ औक़ात वो एनफोर्सेबल नहीं हो पाता चूँकि उसकी कोई शवाहिद मौजूद नहीं होती, लेकिन लीगली ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक चीज़ होता है प्रैक्टिकल पहलू। अब मिसाल के तौर पे आपने किसी से बात की, उसका लीगल स्टैंस ये है कि आपने उसे कहा कि तुम मुझे अपना मकान 50 लाख का बेच दो, उसने कहा हाँ मैं बेच दूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बाद में वो मुकर जाए, अगर तो आप अदालत में साबित कर सकें और आपके पास शवाहिद मौजूद हों तो फिर तो आप केस करेंगे, और अगर आपके पास कुछ शवाहिद मौजूद नहीं है तो फिर वो यहाँ बंदा ये कह देगा जी वो तो मुकर ही गया, मैं क्या बात करूँ, चूँकि आपके पास कुछ शवाहिद मौजूद नहीं है तो फिर आपको बैकआउट करना पड़ेगा। अदालत फैसला एक्शन लेगी, फिर अदालत किस कानून के तहत एक्शन लेगी, ये कानून तो हम पढ़े हैं। सर समझ आ रही? तो ये पॉइंट है, ये जो स्टाम्प पेपर लिखवाया जाता है ये इसीलिए तो होता है कि कल को बंदा मुकर जाए तो क्या करें। सर जो भी बड़ी पेमेंट होती है आम तौर पे, देखिए हम आलू प्याज लेने जाएं तो कोई वो नहीं करते, लेकिन मैं नहीं मानता कि आपने 2 करोड़ रुपए का मकान लेना और आप स्टाम्प पे ना लिखवाएंगे, उस 2 करोड़ के मकान का 10 लाख बयाना कराना है तो आप स्टाम्प पेपर पर लिखवाते हैं। वो इसीलिए लिखवाते हैं कि कल को अगर कोई मसला हो तो हम उसको अदालत में केस कर सकें, अदालत में उसको नाफिज करवा सकें, इनफोर्स करवा सकें। सर समझ आ रही है ये पॉइंट? सर जी मैनर ऑफ रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल, किस किस तरीके से प्रपोजल रिवोक होता है? सर एक बंदे ने आपको कहा क्या तुम अपना मकान मुझे 50 लाख का बेचना चाहते हो, आपने कहा नहीं, ऑफर क्या हो गई? रिवोक, खत्म हो गई। क्या तुम अपना 50,000 का मकान, क्या तुम अपना मकान मुझे 50 लाख का बेचना चाहते हो, उस बंदे ने भी हाँ ना नहीं की थी, आपने खुद कह दिया भाई सॉरी मैं आपको सोच के बता दूँ, आपकी ऑफर क्या हो गई? रिवोक हो गई। आप खुद भी अपनी ऑफर रिवोक कर सकते हो, दूसरा बंदा रिजेक्ट कर दे तो भी ऑफर क्या हो जाती है? रिवोक हो जाती है। लो जनाब अगली बात सुनना बड़ी ध्यान से, कहते हैं ऑफर रिवोक हो जाती है रीजनेबल टाइम के बाद। रीजनेबल टाइम क्या होता है? इट इज़ अ मैटर, इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस। क्या तुम आम की 100 पेटियां मुझे 5 लाख की दोगे? अब वो बंदा चुप करके बैठा हुआ है, ये बात उसको कही थी हमने जून के महीने में, दिसंबर में कहते हैं हाँ। सर मेरी बात समझ आ रही? रीजनेबल टाइम गुजर गया हुआ है, ऑफर रीजनेबल टाइम के बाद क्या हो गई है? लैप्स हो गई। रीजनेबल टाइम के बाद ऑफर खुद ही लैप्स हो जाती है।
अगर आपने कहा क्या तुम ये आम की पेटियां 5 लाख की मुझसे खरीदना चाहते हो तो मुझे 2 दिन के अंदर अंदर बता दो। 2 दिन गुजर के उसने कुछ नहीं बताया, ऑफर क्या हो गई? ख़त्म हो। आपने खुद अपनी ऑफर कैंसिल कर दी। टाइम गुजर गया, रीजनेबल टाइम गुजर गया। सर जी रीजनेबल टाइम वेरी करता है। बर्फ के 10 ब्लॉक पड़े हुए हैं, क्या तुम ये 10 ब्लॉक बर्फ के मुझसे खरीदना चाहते हो 5,000 रुपये के? अब वो बंदा कह रहा है 3 दिनों बाद, हाँ जी उस जगह तक बर्फ़ पिघल नहीं गई होगी। सर केस टू केस वेरी करता है रीजनेबल टाइम। प्रॉपर्टी के अंदर रीजनेबल टाइम 1 माह होता है, फल सब्जी के अंदर रीजनेबल टाइम 1 दिन होता है, चावलों के अंदर रीजनेबल टाइम 1 हफ्ता हो सकता है, बर्फ के लिए रीजनेबल टाइम शायद आधा घंटा हो। सर केस टू केस रीजनेबल टाइम क्या करता है? अदालत इस फैक्टर को कंसिडर करती है कि इस केस में रीजनेबल टाइम क्या था। बाय द फेलियर ऑफ द एक्सेप्टेंस टू फुलफिल अ कंडीशन। सर अगर एक बंदे को आपने कहा था कि अगर तुम मेरा मकान खरीदना चाहते हो तो 3 लाख रुपए अभी बयाना दे दो, उसने बयाना नहीं दिया, आप समझ गए कि ये क्या हो गया, ऑफर खत्म हो गई है। जो कंडीशन थी ऑफर के साथ जुड़ी हुई अगर उसको पूरा नहीं किया तो ये ऑफर क्या हो गई है, खत्म हो गई। सर बंदा बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजर, प्रपोज करने वाला बंदा खुद एक्सेप्टेंस से पहले पहले क्या हो गया है, पागल हो गया या फोती हो गया। इफ द फैक्ट ऑफ डेथ और इंसेनिटी कम्स फ्रॉम नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टेंस बिफोर एक्सेप्टेंस, अगर एक्सेप्टर को नहीं पता था कि ये बंदा पागल हो गया तो फिर तो वैलिड होगा, लेकिन अगर उस बंदे का पता चल गया, मिसाल के तौर पे एक बंदा है उसने ऑफर किया कि मैं अपना मकान 26 करोड़ का बेचूंगा और अगले दिन इश्तिहार लगा दिया गया अखबार में कि वो बंदा फोत हो गया, उससे अगले दिन क्या बंदा उसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। बंदे के फोत होने से ऑफर क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एन ऑफर इज ऑल्सो टर्मिनेटेड बाय नॉन एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन बाय द ऑफरी। सर कोई एक्सेप्ट ना करें या ऑफरी रिजेक्ट कर दे तो भी ऑफर टर्मिनेट हो जाती है। एन ऑफर इज टर्मिनेटेड बाय काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या होता है? ऑफर के ऊपर ऑफर। क्या तुम अपना मकान मुझे 50 लाख का बेचोगे? और दूसरा बंदा कहता है नहीं भाई 60 का बिकेगा। आपकी ऑफर लैप्स कर गई, अब वो बंदा ऑफरर बन गया, अब ऑफरी बन गया, अब आपकी मर्जी हाँ करो या ना करो। सर समझ आ रही है? ये पॉइंट है। एन ऑफर वंस एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन नॉट बी रिवोक्ड। एक बार ऑफर एक्सेप्ट होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा और ये रिवोक नहीं हो पाएगा। इसकी सारी एग्जाम्पल्स भी हैं, ये इसकी एग्जाम्पल्स और ये वाले पॉइंट आपने घर से पढ़ के आने हैं। कल इंशाल्लाह मैं आपको रेवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ये वाला एरिया कंप्लीट करा दूंगा। सारी के सारी एग्जांपल्स भी आपको क्लास में करा रहा हूँ, इसकी एग्जांपल्स आपने देख के आनी है इंशाल्लाह। पहले मैं कल इसकी एग्जांपल्स कराऊंगा, फिर एक्सेप्टेंस कराऊंगा, फिर एक्सेप्टेंस की एग्जाम्पल्स, फिर रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर उसकी एग्जाम्पल्स। ये हमारा कल का इंशाल्लाह एजेंडा है। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू जी।